नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान। कल अपन ने बीकॉम फाइनल ईएएफएम पेपर टू में कैपिटल बजटिंग होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करा था। आज के इस वीडियो में दो तीन चीज़ें देखेंगे। एक तो आप मेन बोर्ड पे देख ही पा रहे हैं, प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग, पूंजी बजटन की प्रक्रिया क्या होती है। उससे पहले एक दो छोटा सा टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो आता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस, यानी कितने टाइप के डिसीजंस हैं वो आपके इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल बजटिंग है उसमें लिए जाते हैं। जिसमें नंबर वन आता है वो एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट क्राइटेरिया होता है। यानी आप कोई भी कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट है उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसमें दो ही ऑप्शन आपके पास में होते हैं, या तो उसे एक्सेप्ट करेंगे या इसे रिजेक्ट करते हैं। सेकंड इसमें आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, यानी यहां पर आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं, उनमें से किसी एक का आपको सिलेक्शन करना होता है। यानी एक का सिलेक्शन करेंगे तो दूसरे का अपने आप रिजेक्शन हो जाता है। और तीसरा इसमें आता है कैपिटल रैशनिंग डिसीजंस। इसमें जो रैशनिंग डिसीजंस वाला होता है, इसमें आपके पास में कई सारे प्रपोजल या कई सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको आप रैंकिंग देने का काम करते हैं। जैसे नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, यानी प्रोजेक्ट ए को नंबर वन, प्रोजेक्ट बी को नंबर टू, प्रोजेक्ट सी को नंबर थ्री। अब ये सीक्वेंस है वो आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होता रहता है। तो तीन क्राइटेरिया, एक तो एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, यानी आपका सेट क्राइटेरिया होता है किसी भी प्रपोजल से आपको मान लीजिए फ्यूचर में 50,000 पर एनएम प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप उसे रिजेक्ट कर देंगे, या फिर उससे ज़्यादा हो रहा है तो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ये सीधा क्राइटेरिया होता है। सेकंड है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट होते हैं, यानी आपके पास में दो प्रोजेक्ट या दो ऑप्शन होते हैं। मान लीजिए आपके पास में परचेज करने के लिए दो मशीनरी अवेलेबल हैं, आप उनकी वायबिलिटी को चेक करते हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करते हैं, किसी एक को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, दूसरा अपने आप रिजेक्ट हो जाता है। और जो कैपिटल रैशनिंग डिसीजंस होते हैं उसमें आप डिफरेंट, आपके पास में कई ऑप्शंस होते हैं, उनमें उनको आप रैंकिंग देते हैं, फिर मैनेजमेंट अपने अकॉर्डिंग उनको सेलेक्ट कर लेता है। तो एक तो जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस हैं उसके बारे में था, और एक छोटा सा आपका और आता है इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, या टाइप्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट हैं। जिसमें सबसे पहला आता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इनको विकासात्मक परियोजना या विकास परियोजना बोला जाता है। यानी कोई भी कंपनी है वो कुछ भी नई चीज़ डेवलप कर रही है, वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए इसके रिगार्डिंग डिसीजन लिया जाता है, या फिर आपको करना है तो वो आपका डेवलपमेंटल या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है। सेकंड इसमें आता है एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, ये होता है विस्तार परियोजना। एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में क्या होता है, आप अपनी एग्जिस्टिंग प्लांट कैपेसिटी है उसको एक्सपेंड करते हैं, बढ़ाते हैं या उसका विस्तार करते हैं। तो इस टाइप का अगर आपको डिसीजन लेना है तो वो आपके एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में आते हैं। फिर एक आपका आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी कोई भी नई चीज़ है उसके रिगार्डिंग आपको रिसर्च करना है, रिसर्च करा उसके बाद में आप उसे डेवलप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इस टाइप का जो प्रोजेक्ट होता है उसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बोला जाता है। और एक इसमें वेलफेयर प्रोजेक्ट है उनको भी काउंट करा जाता है। वेलफेयर प्रोजेक्ट में जनरली जैसे कोई धर्मशाला का निर्माण हो गया या इस टाइप की जो सर्विसेज होती हैं जो जनरली भामाशाह प्रोवाइड कराते हैं वो आपके प्रोजेक्ट, उनको वेलफेयर प्रोजेक्ट बोला जाता है। तो जनरली ये कुछ टाइप्स होते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग। अब अपन आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो है प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग या पूंजी बजटन की प्रक्रिया क्या होती है। जिसमें नंबर वन आपके लिए जो आता है वो ओरिजिन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, या इसे आइडिया जनरेशन फेज भी बोला जा सकता है। जो कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है उसका उद्भव है वो कहाँ से हो रहा है। कोई ज़रूरी नहीं कि ये आपका आइडियाज हैं वो टॉप लेवल से आए, मिडिल लेवल से आए या लोअर लेवल से आए। जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस है या प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है
तो उसके रिगार्डिंग आइडिया है वो फोरमैन से भी आ सकता है, जो मशीन को ऑपरेट करता है वहाँ से भी आ सकता है, या जो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं वहाँ से भी आ सकता है। तो ये जो आपकी फर्स्ट स्टेज होती है उसे ओरिजिन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल या विनियोग विकल्प का उद्भव बोला जाता है। यानी यहाँ पे आपके माइंड में एक आइडिया आता है कि इसमें ये चेंजेस हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। अब जब आइडिया आ जाता है फिर उसके बाद में फर्दर सेकंड स्टेज जो आती है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ प्रपोजल, प्रस्ताव है उसका प्रस्तुतिकरण करना। मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किसी फोरमैन ने आपको सजेस्ट कर दिया कि प्रोजेक्ट में प्रोडक्ट में ये इम्प्रूवमेंट है वो पॉसिबल है, ये आइडिया वहाँ पे आया, फिर सेकंड स्टेज में आपका जो प्रॉपर डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे इसके रिगार्डिंग एक फॉर्मल स्टडी है वो करी जाती है कि कौन सी डेट में रिक्वेस्ट आई, फिर उसमें क्या क्या फर्दर रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके रिगार्डिंग कॉस्ट कितनी आएगी, फिर उसके बाद में आपका कोई भी मटेरियल परचेज करना है तो वो कहाँ से आएगा, ये सारी प्लानिंग है वो प्रेजेंटेशन ऑफ प्रपोजल कहलाती है। जब प्रेजेंटेशन हो जाता है तो प्रोजेक्ट है वो आपकी थर्ड स्टेज में आ जाता है। थर्ड स्टेज में क्या होगा कि आपकी बजट कमेटी या प्लानिंग कमेटी है उसके पास में प्रपोजल आ जाता है, तो वहाँ पे आपका जो प्रेजेंटेड पहले प्रपोजल है उसकी स्क्रीनिंग है वो करी जाती है। स्क्रीनिंग में सारी चीज़ें आपकी देखी जाती हैं कि क्या आपके लिए प्रोजेक्ट है वो वायबल है, इसमें एक्सपेंडिचर कितने हो रहे हैं, फ्यूचर में इसमें बेनिफिट कितना मिलना है, आपके बजट डिपार्टमेंट है उसके पास में इसके लिए बजट अवेलेबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें स्क्रीनिंग यानी थर्ड फेज में करी जाती है। फिर उसके बाद फोर्थ फेज आती है आपकी इकोनॉमिक इवैल्यूएशन ऑफ द प्रपोजल, प्रस्ताव का आर्थिक मूल्यांकन। इकोनॉमिक इवैल्यूएशन में पहले वाली फेज में भी कुछ चीज़ें आई थी, जैसे आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, क्या वो आपके बजट के अकॉर्डिंग है, प्रोजेक्ट है उसको आप कर रहे हैं उस दौरान आपके कितने सारे एक्सपेंडिचर्स होने वाले हैं, फ्यूचर में इसके कितने बेनिफिट मिलने हैं, और बेनिफिट हैं वो आपके शॉर्ट टर्म के हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए हैं, ये आपकी इकोनॉमिक वायबिलिटी या इकोनॉमिक इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल होता है। फिर उसके बाद में सीधा ये फिफ्थ फेज में आ जाता है। फिफ्थ फेज में कोई भी प्रोजेक्ट है उसका सिलेक्शन आता है। मान लीजिए आपके पास में टोटल 10 प्रपोजल आते हैं, 10 प्रपोजल आ गए, सारे प्रपोजल को तो आप एक्सेप्ट करते नहीं हैं। अब इसमें से जो आपको मोस्ट फ्रूटफुल लगते हैं, जिसमें आपको बेनिफिट नज़र आता है, उन प्रपोजल्स को आप सिलेक्ट करते हैं, तो वो आपकी फिफ्थ स्टेज होती है प्रोजेक्ट सिलेक्शन की। फिर उसके बाद में सिक्स्थ स्टेज में आते हैं जहाँ पे फाइनल डिसीजंस ऑन द प्रोजेक्ट, यानी आपके जितने सारे 10 ऑप्शन थे उनको आपने स्क्रूटनाइज करके 2 या 3 तक लिमिटेड कर दिया, अब वो 2 और 3 हैं उनमें भी आप फाइनली उनकी वायबिलिटी चेक करके फाइनली एक प्रोजेक्ट है उसको आप सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद में जो 7th स्टेज आती है उसमें आता है फॉर्मुलेशन ऑफ कैपिटल बजट, यानी आपने डिसाइड कर लिया कि कौन सा प्रोजेक्ट है जिस पे कंपनी है वो वर्क करने जा रही है, तो अब उसके अकॉर्डिंग आपका कैपिटल बजट है वो आपको प्रिपेयर करना होता है कि इतने सारे एक्सपेंडिचर्स हैं वो कंपनी के पास में रियल में अवेलेबल है या नहीं, अगर नहीं है तो प्रोजेक्ट हो सकता है आपका आइडिया यहाँ पे कैंसिल हो जाए, और अगर कंपनी के पास में है या कंपनी के जो टॉप लेवल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो फर्दर बाहर से फंडिंग कराने को रेडी हैं तो यहाँ पे आपका कैपिटल बजट है वो प्रिपेयर करा जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज आती है जो 8th स्टेज है, वहाँ पे किसी भी प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन करा जाता है, यानी उस परियोजना को वास्तव में लागू करा जाता है। आपने सारी प्रोसेस फॉलो कर ली, सबसे पहले आपका आइडिया जनरेट हुआ, आइडिया जनरेट होने के बाद में उसकी स्क्रीनिंग करी गई, यानी आप सेकेंड स्टेज में आपका उसका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में प्रेजेंटेशन हुआ, उसके बाद में स्क्रीनिंग करी गई, फिर उसके बाद में इकोनॉमिक वायबिलिटी या इवोल्यूशन है वो करा गया, फिर आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से आपको कुछ लिमिटेड सेलेक्ट करने होते हैं, फिर फाइनली एक प्रोजेक्ट को आप सेलेक्ट करते हैं, फिर कैपिटल बजट बनता है, और जो फाइनली सेलेक्टेड प्रोजेक्ट होता है उसको 8th स्टेज में आके आपको लागू करना होता है, उसे एग्जीक्यूट करना होता है। फिर उसके बाद में जो लास्ट स्टेज आती है वो आती है फीडबैक की। कोई भी काम आपने कर लिया, लास्ट में आपको ये चेक करना होता है कि सही में आपका जो आइडिया था वो एज इट इज़ इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर आपने जो कैपिटल बजट प्रिपेयर करा था वास्तव में उसी बजट में आपका सारा काम या ये प्रोजेक्ट है वो एग्जीक्यूट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है,
तो ये सारी प्रोसेस होती है जिसके टोटल 9 स्टेज हैं। ये कैपिटल बजट आपकी कैपिटल बजट की एक प्रोसेस या कैपिटल बजटिंग की प्रोसेस मानी जाती है। उसके बाद में अब अगले चैप्टर में या फिर अगले वीडियो में अपन लोग देखेंगे कि डिफरेंट आपके लिए नेसेसिटीज़ क्या होती हैं कैपिटल बजटिंग के लिए, जैसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आपके कैश इनफ्लोज क्या होते हैं, टर्मिनल कैश इनफ्लोज क्या होते हैं, फिर इसमें कुछ न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल मेथड्स हैं उनकी अपन स्टडी करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।